आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और इंडियन रेलवे का एग्जाम डेट यानी ग्रुप डी का एग्जाम डेट बहुत पहले ही कुछ रेलवे के अधिकारियों के द्वारा लीक कर दिया गया था। बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे न्यूज़ ने दिखाया भी था कि 12 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखो जो खबर ये निकल कर आ रही है, लेटेस्ट खबर जो मैं बताऊँ, 23 तारीख की जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर है क्या एक्चुअल में? आप लोग देखो, एक खबर के अनुसार दैनिक भास्कर, ठीक है, ये न्यूज़ किसने पब्लिश किया है? दैनिक भास्कर ने। और ये न्यूज़ जो है वो कल का ही है। ठीक है, तो कल के न्यूज़ में ये बताया गया है कि एलडीसी और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक ही दिन। इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान एलडीसी, किसकी बात कर रहा हूँ, राजस्थान एलडीसी, राजस्थान लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एक ही डेट पर होगा 12 अगस्त में। और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ग्रुप डी और रेलवे एलडीसी के फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो बहुत सारे बाकी स्टेट के में बच्चों में तो बहुत सारी खुशी है कि चलो रेलवे का जो डेट है वो फाइनल हो गया फाइनली। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चों हैं जिन्होंने एलडीसी का भी फॉर्म भरा है और रेलवे का भी फॉर्म भरा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। वह वो सोच रहे हैं कि एग्जाम कौन सा दे। देखो यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है न्यूज में कि दरअसल सरकार द्वारा इस भर्ती की परीक्षा 12 अगस्त एवं 19 अगस्त को कराने की तैयारी की जा रही है। समस्या यह आ रही है कि रेलवे द्वारा ग्रुप डी के 90,000 पदों के लिए भी भर्ती परीक्षा 12 अगस्त से शुरू हो रही है। प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 90% से ज़्यादा है जिन्होंने रेलवे की ग्रुप डी और राजस्थान में एलडीसी की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसका मतलब जो डेट है वो क्लैश हो सकता है और इस क्लैश के चक्कर में बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम दे। लेकिन एक चीज गारंटी मैं ले सकता हूं कि जहां तक ये न्यूज है, मैं एक चीज बोल सकता हूं आपको कि राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं एलडीसी के रिगार्डिंग जो सोच रहे हैं अब एग्जाम कौन सा दे, देखो अभी हाल ही में आपका राजस्थान में क्या होने वाला है, इलेक्शन। और किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए सबसे जरूरी क्या है? ना स्टूडेंट्स, ना लोग, ना कोई। उनके लिए सबसे स्टूडेंट सबसे जरूरी क्या है? उनके लिए गद्दी, उनको सत्ता में आना। तो वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे बच्चों के साथ, खास करके कि रेलवे और एलडीसी का एग्जाम डेट भिड़ जाए। बहुत सारे एग्जाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो मैनेजमेंट है राजस्थान एलडीसी के, वो बोल रहे हैं कि एग्जाम 12 अगस्त से भी हो सकता है। ठीक है, उनका कहना ये भी है कि बहुत सारे एग्जाम एक ही डेट पर होते हैं तो रेलवे राजस्थान के एलडीसी के डेट चेंज नहीं किए जाएंगे। लेकिन मानकर चलो कि एग्जाम डेट चेंज होगा, अगर इलेक्शन नहीं होता तो एग्जाम डेट चेंज नहीं होता, चांसेस ज्यादा थे। लेकिन इलेक्शन इसी ईयर में है, एंड में, तो इतना बड़ा रिस्क तो सरकार नहीं लेगी। क्योंकि अगर सरकार ऐसा रिस्क लेती है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये मानकर चलो रेलवे का जो डेट था वो पहले आया था 12 अगस्त, तो राजस्थान के एलडीसी के जो पेपर हैं उनको ही अपना जो डेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है परीक्षा में शामिल होते ही तो उनके हाथों से एलडीसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर निकल जाएगा। हालांकि रेलवे ने परीक्षा तिथि की घोषणा पहले ही कर दी थी। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि राजस्थान में एलडीसी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए ताकि आवेदकों को दोनों परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये सारे जॉब राजस्थान एलडीसी या फिर बात कर लो रेलवे, ये एवरी ईयर तो नहीं निकलता है, तो कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट दोनों एग्जाम को दे पाए बिना किसी टेंशन के। तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जो भी राजस्थान में है, या फिर ये न्यूज सारे बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब तक ये न्यूज पहुंचे और कम से कम जो राजस्थान एलडीसी का डेट है वो बढ़ाया जाए, एक दिन क्लास ना हो। ठीक है ना, चलिए।